इब्ने माजा में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने रिवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तीन लोगों की दुआ रद्द नहीं होती, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाता है। नंबर एक, मज़लूम की दुआ, और नंबर दो, मुसाफिर की दुआ, और नंबर तीन, वालिद और वालदा की दुआ औलाद के हक में। ये तीन लोग ऐसे हैं जिनकी दुआ अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर कबूल फरमाता है। बाद लोग कहते हैं कि हम दुआ करते हैं, दुआ कबूल नहीं होती। वजह यह है कि दुआ के तीन पहलू होते हैं, या तो वो दुआ कबूल हो जाती है, या फिर आखिरत के लिए ज़खीरा कर ली जाती है, या फिर वो दुआ किसी मुसीबत के टालने का ज़रिया बन जाती है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, क्या तकरीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तीन लोग ऐसे हैं कि जिनकी ना तो नमाज कबूल होती है और ना कोई नेकी आसमान की तरफ जाती है। नंबर एक, जो भागा हुआ ग़ुलाम जो अपने मालिक से भाग जाए, जब तक वो वापस ना आए ना तो उसकी नमाज कबूल होती है और ना ही उसकी कोई नेकी आसमान की तरफ जाती है। और नंबर दो, फरमाया कि वो औरत जिसका शौहर उससे नाराज़ हो, जब तक वो अपने शौहर को राज़ी ना कर ले ना तो उसकी नमाज कबूल होती है और ना ही उसकी कोई नेकी आसमान की तरफ जाती है। और नंबर तीन, फरमाया कि तीसरा वो शख्स है जो नशाबाज है, जो नशा करने वाला है, उसकी भी दुआ कबूल नहीं होती जब तक वो नशा से होश में ना आ जाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूँ, जब वो मुझसे दुआ करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के नज़दीक दुआ से ज़्यादा किसी चीज़ की फजीलत नहीं। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जिस शख्स के लिए दुआ का दरवाज़ा खोल दिया जाता है उसके लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा ये पसंद है कि उससे आफियत का सवाल किया जाए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम पर कोई मुसीबत आए या ना आए, दुआ हर हाल में तुम्हें नफ़ा देती है, सो ऐ अल्लाह के बंदो, दुआ को लाजिम पकड़ लो, दुआ लाजमी अल्लाह की बारगाह में किया करो। हज़रत सुलेमान रदियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह बहुत हया फरमाने वाला है, बहुत करीम है। जब बंदा उसकी बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाता है तो उन हाथों को खाली और नाकाम लौटाने से हया फरमाता है। हज़रत सोबान रदियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तकदीर सिर्फ दुआ से टलती है और उम्र में सिर्फ नेकी से इजाफा होता है और इंसान गुनाह करने की वजह से रिज्क से महरूम हो जाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह से उसके फजल का सवाल करो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला सवाल करने को पसंद फरमाता है और सबसे अफजल इबादत कुशादगी का इंतज़ार करना है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अद्दुआ मुख्ल इबादा, दुआ इबादत का मगज़ है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें वो चीज़ ना बताऊँ जो तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों से निजात दे, तुम्हारे रिज़्क को ज़्यादा कर दे। फरमाया कि तुम दिन रात अल्लाह से दुआएं किया करो, इसलिए कि दुआ हर मोमिन का हथियार है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा अपने रब अज़्ज़ा वजल के सबसे ज़्यादा करीब सजदा में होता है, बस तुम सजदा में बकसरत दुआ किया करो। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि हम दुआ करते हैं, हमारी दुआ को कबूल नहीं किया जाता, उसकी वजह क्या है? इसलिए कि वो दुआ की जो मुकम्मल शरायत हैं उस पर अमल पैरा नहीं होते। तो दुआ के कबूल होने की चंद शरायत हैं कि दुआ करने वाले का खाना,
पीना और उसका रिज्क हलाल से होना चाहिए। अगर उसका रिज्क हराम हो तो फिर उसकी दुआ कबूल नहीं होती। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला रिवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तैयब यानी पाक है और वह तैयब चीज़ के सिवा किसी चीज़ को कबूल नहीं फरमाता। फिर आपने फरमाया कि एक आदमी लंबा सफ़र करता है, उसके बाल बिखरे हुए गुबार आलूद होते हैं, वो आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ करता है और कहता है, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब, हालांकि उसका खाना हराम का होता है, उसका पीना हराम का होता है, उसका लिबास हराम का होता है। तो फरमाया कि बताओ उसकी दुआ कहाँ से कबूल हो। दुआ करने वाले के लिए ज़रूरी है कि वह अपने दिल और दिमाग को अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जह और हाजिर करके दुआ मांगे, कल्ब से गाफिल होकर दुआ ना मांगे, बल्कि हुजूर कल्ब से मुतवज्जह होकर आपकी बारगाह में जब दुआ करे अल्लाह उसकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाता है। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा जब वो दुआ करते हैं बिल्कुल बेतवज्जी से दुआ करते हैं, दुआ मांग रहे होते हैं, हाथ बिल्कुल नीचे रखे होते हैं और आंखों से इधर उधर देख रहे होते हैं, तो दुआ की तरफ तवज्जो ही नहीं होती। तो जब तवज्जो नहीं है तो फिर दुआ कैसे कबूल हो। मुकम्मल तौर पर तवज्जो के साथ और यकीन और तयक्कुन के साथ दुआ मांगे, अल्लाह तबारक व तआला दुआ को ज़रूर कबूल फरमाता है। दोनों हाथों को उठाकर सीने के बराबर रखें और ये बगलों से बाजू थोड़ा सा ऊपर उठे हुए और फिर नज़रों को झुका के सिद्क दिल के साथ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करें, तो फिर देखें दुआ कैसे कबूल होती है। तफसीरुल बयान के अंदर अल्लामा इस्माकी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, आपने एक दिन सर्दी के अंदर दुआ मांगी तो दुआ करते हुए सर्दी की वजह से एक हाथ बाहर निकाला और दूसरे को अंदर रख के दुआ मांगा। दुआ मांगने के बाद सो गए, ख्वाब के अंदर देखते हैं कि एक हाथ उनका रहमत से भर है, दूसरा हाथ खाली है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ की, या रब्बुल आलमीन, ये क्या वजह, मेरा एक हाथ तो तेरी रहमत से पुर हो गया, दूसरा हाथ खाली है। अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई, ऐ बायज़ीद बस्तामी, तुमने एक हाथ को हमारी बारगाह में उठाया था, हमने उसको रहमत से भर दिया, अगर दूसरा उठाते हम उसको भी अपनी रहमत से भर देते। तो इसलिए दुआ को सिदके दिल के साथ मांगे, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सच्चे दिल के साथ यकीन के साथ दुआ मांगे, अल्लाह तबारक व तआला दुआ को ज़रूर कबूल फरमाता है।